देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। रायगढ़ खरसिया मार्ग नेशनल हाईवे 49 पर शनिवार को मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमिका और दूसरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए पुराने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। युवक का शव नेशनल हाईवे के किनारे एक खेत में संदिग्ध हालत में मिला था। मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मनीष कुमार उर्फ पप्पू गढ़ उमरिया का रहने वाला था। उसका शव NH 49 पर अमली भोना रोड किनारे 1 जुलाई को खेत में मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसकी शिनाख्त शिवम मोटर्स में कैशियर के पद पर काम करने वाले मनीष कुमार पंडा के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस, साइबर सेल, FSL और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू की थी। साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम CCTV फुटेज की जांच के लिए, एक टीम फॉरेंसिक अधिकारियों की मदद से सबूत जुटाने और एक टीम टेक्निकल एनालिसिस के लिए लगाई गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि 30 जून की सुबह रोजाना की तरह मनीष मोटरसाइकिल से ड्यूटी गया था। वह दोपहर में खाना खाने के लिए घर आया और फिर ड्यूटी पर चला गया। रात को मनीष ने वीडियो कॉल कर अपने परिवार से बात की और जल्द ही घर आने की बात कही। इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो वो घर वापस लौटा और ना तो उसका मोबाइल ही ऑन हुआ। इससे परिजन परेशान हो गए। इस बीच अगले दिन 1 जुलाई को उसका शव खेत में संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। घटनास्थल को एक्सीडेंटल स्पॉट जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को शव का बारीकी से जायजा लेने पर युवक की हत्या का संदेह था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।